गुड मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट टू 2020-23 का 27 फरवरी से एग्जाम होना है, तो इसको लेके बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर कॉपी कैसे लिखें और अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर पाएं कर पाएं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए, थोड़ा जो भी सजेशन हो वो दे दीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो में लोग जानेंगे कि आप लोग को कैसे कॉपी लिखना है, कितना पेज लिखना है कि आप लोग का अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाए। देखिए यहाँ पे कितना पेज लिखना है कि अच्छे मार्क्स स्कोर हो, साथ ही आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कहाँ कहाँ करनी होती है, क्या सिग्नेचर के वजह से भी अटेंडेंस शीट पे यदि सिग्नेचर नहीं हो पाती है तो अब्सेंट करके आ जाता है, और जब अब्सेंट एक बार लिख दिया जाता है रिजल्ट में तो फिर वो फेल माना जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बार बार यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। तो उसको देखेंगे कि आप लोग कैसे सिग्नेचर कहाँ कहाँ करना है, उसे बिना भूले सिग्नेचर करके ही आइएगा, जिससे कि आप लोग को एक बार में ही पास हो जाए। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहाँ पे बनाना है, पेज के किस पेज में, बीच में बनाना है या फर्स्ट में बनाना है, और कैसे बनाएं कि सारे सही हो जाए ऑब्जेक्टिव, ये भी जानेंगे, जिससे कि एक आप लोग को एक बार में ही अच्छे स्कोर करने का मौका मिले और पास हो जाए। देखिए प्रमोट और फेल नहीं होइएगा, अपने अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा, यूनिवर्सिटी भी कॉपी चेक करती है, कोशिश करती है कि पास कर दें आप लोग को, लेकिन लिखिएगा जरूर, जिससे कि आपको जैसे जैसे हम बताएंगे वो स्टेप बाय देखिएगा आप अच्छे से, बहुत सारे वीडियो देखते होंगे लेकिन ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो एक बार में पास करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को फिर से प्रमोट और फेल वाले के चक्कर में ना पड़ना पड़े, बार बार कॉलेज यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े और एक बार में ही पास हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉपी कैसे लिखना है कि स्कोर अच्छे हो पाए। तो इसके लिए देखिए आपने क्या करना है कि कॉपी लिखने से पहले आप लोग को सबसे पहले एक अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, जिसका भी जैसे हैंडराइटिंग बनता है आप तो सुधार नहीं हो सकती, जब एग्जाम आएगी तो वहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं आपकी समाजवाद पे क्या प्रभाव है, बेरोजगारी का समाजवाद पे क्या प्रभाव है, तो इसको लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग दे देंगे और वहाँ के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, आप लिखते लिखते आएंगे इस तरह से। और देखिए कॉपी एक दिखाते हैं आपको, देखिए ये एक कॉपी का सैंपल, देखिए ऐसे राइटिंग है हिंदी का, ये वाला ये राइटिंग देखिए यहाँ पे आप कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपी, पेज भरने के लिए जैसे क्योंकि ज़्यादा ग्रेजुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखना होता है, तो आप सबसे पहले कॉपी लेंगे, वहाँ पे एक स्केल लेके जाइएगा, बड़ा सा स्केल, एक बड़ी वाली जो स्केल आती है उसमें दोनों साइड से एक 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 यहाँ पे स्केल से बना दीजिएगा, एक एक स्केल का छोड़ दीजिएगा। देखिए लेफ्ट साइड तो बहुत लोग छोड़ते होंगे लेकिन राइट साइड बहुत लोग नहीं छोड़ते होंगे, लेकिन एक अच्छे राइटिंग के लिए, एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए और पेज भरने के लिए आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एक स्केल इधर राइट साइड में भी छोड़ सकते हैं एक स्केल, और एक स्केल लेफ्ट साइड में भी छोड़ सकते हैं, और इसके बीच में ही सिप लग सकते हैं। देखिए इन्होंने कितने अच्छे से कॉपी लिखा है, और ये दृष्टि आईएएस का कॉपी है, इसमें आप लोग भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे गलत लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए हेडिंग पहले देने के बाद से यहाँ से स्टार्ट कर दिए ये लोग, यहाँ पे यदि खत्म होता है तो फिर पेज भरने के लिए देखिए ये लाइन को छोड़ दिए और ये लाइन को भी थोड़ा छोड़ दिए और यहाँ से फिर स्टार्ट किए। इससे क्या होता है, एक तो कॉपी चेक करने वाले को बहुत अच्छा होता है, उनका दिमाग खराब नहीं होता, और जब वो लोग को आप आसानी देंगे कॉपी चेक करने में तो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, यदि वो लोग को आप डिफिकल्टी देंगे कॉपी चेक करने में, जैसे पढ़ने में बार बार कटा हुआ रहेगा, एकदम पतला पतला छोटा छोटा लिखा रहेगा, सटा सटा के कहीं लाइनिंग छोड़ा ही नहीं है, तो उसको पढ़ने में कठिनाई होगी, फिर आपको मार्क्स देने में भी वो कठिनाई कर देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आपको दो लाइनिंग बनाना है, एक लेफ्ट और राइट में, और उसके बीच में ही लिखना है, यहाँ पे स्टार्ट करके हेडिंग दे दिए, यहाँ से डैश दे दीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना लिखते लिखते स्टार्ट किए, फिर यदि यहाँ पे है कर दिए तो ये लाइन छोड़ दीजिए, फिर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इस तरह से लिखिए, एक दो लाइन बीच बीच में कहीं कहीं गैप दे दे के सजा के लिखिएगा तो अच्छे मार्क्स आएगा, और इसी के बीच में लिखिए, इससे आपको ज़्यादा पेजेस भी लिखने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि आप यदि यहाँ से स्टार्ट करते हो और यहाँ तक पूरा फुल लिखते हैं तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे और पेज भी नहीं भरेगी, लेकिन ग्रेजुएशन वाले जो कॉपी होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखना होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स पेज काउंट करके भी नंबर देते हैं, आपको लिखना ही लिखना है, जैसे कि आपको नहीं भी आ रहा है बना के भी लिखना है लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही वहां पे लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें, यानी कि आप बना के भी वहां पे लिख सकते हैं, बस आप गलत चीजें यूज नहीं कीजिएगा, आप बना बना के जो भी क्वेश्चन आता है आधा अधूरा सब लिखिएगा, पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखेंगे जिसको आप कंफर्म जानते हैं वही क्वेश्चन को पहले लिखिएगा और पहले ऐसे करके लिखते जाइएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कितने पेज एक क्वेश्चन को लिखना है। तो देखिए एक पेज में कम से कम आप लोग 4 से 5 पेज लिखिएगा एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 से 5 पेज लिखिएगा, और देखिए पेज भरने का 4 से 5 पेज करके यदि आपको 5 क्वेश्चन लिखना है तो 20 से 25 पेज लिखना होगा, और ऑब्जेक्टिव एक पेज, तो सर इतना कैसे लिख पाएंगे, तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका यही है, और इसीलिए मैंने ये सिंपल सैंपल पेपर लाया। देखिए यहाँ से आप इधर लेफ्ट साइड छोड़ देंगे, इधर राइट साइड छोड़ देंगे और बीच में लिखना स्टार्ट करेंगे, इससे आपका एक तो खूबसूरती लगेगी कॉपी का, दूसरा कि आपको पेज फिल करने में बहुत आसानी होगा और जल्दी जल्दी से पेज फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग यहाँ छोड़ दिया गया, दूसरा लाइनिंग यहाँ छोड़ दिया गया और थोड़ा सा यहाँ भी छोड़ दिया गया, और इसी तरह से 2-3 जगह करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए कॉपी लिखने से पहले जैसे आप लिख रहे हैं कि बेरोजगारी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सबसे पहले उसका अच्छे चीज़ लिखेंगे, बेरोजगारी का समाज पर अच्छे प्रभाव,
बेरोजगारी का समाज में बुरे प्रभाव, ऐसे तो बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा बुरे प्रभाव ही होता है, तो बुरे प्रभाव में आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, अच्छे प्रभाव में बहुत ही कम कंटेंट मिलेगा। फिर इसका परिणाम क्या हुआ, बेरोजगारी का समाज पे क्या परिणाम हुआ, फिर नीचे लिखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव, परिणाम, यहाँ पे कंक्लूजन इसका लिख लीजिएगा, फिर परिणाम लिख के यहाँ पे एंड कीजिएगा। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे आप बोल देगा कि सोशल मीडिया का अच्छे और बुरे प्रभाव, यानी सोशल मीडिया का उल्लेख सहित अच्छे से वर्णन करें, और यहाँ पे 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बस इतना ही लिखा रहेगा, 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 14 मार्क्स तो आपको थोड़े समय मिल नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में लिख दीजिएगा, सोशल मीडिया क्या क्या है उसका डिटेल बता दीजिएगा, कौन कौन सा एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। फिर लिखिएगा सोशल मीडिया का अच्छे प्रभाव, और जो भी अच्छे प्रभाव है सोशल मीडिया का यहाँ पे लिखते जाइएगा। फिर लिखिएगा, ये हेडिंग दीजिएगा कि सोशल मीडिया का बुरे प्रभाव, फिर उसके बारे में पूरा लिखिएगा, फिर परिणाम लास्ट में परिणाम लिखिएगा, और वहाँ पे डैश देने के बाद उसका परिणाम लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 14 में आउट ऑफ 14 में आपको 12, 13 और 14 भी मिल सकती है, इसलिए आप ऐसे करके बना के यदि कॉपी लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएगा, एक बार लिख के देखिएगा आप लोग। अब देखिए सिग्नेचर कहाँ कहाँ करना होता है, तो सिग्नेचर देखिए सबसे पहले आपको अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करना ही करना, यदि आपने अपना कॉपी में भी सिग्नेचर कर दिया और भी कहीं सिग्नेचर कर दिया, सिर्फ अटेंडेंस शीट पे यदि सिग्नेचर नहीं किए तो आपका रिजल्ट फेल और अब्सेंट लिख के आ जाएगा। इसलिए जो टीचर्स अटेंडेंस शीट लेके आते हैं उस पर सिग्नेचर अपने सामने, जहाँ पे आपका नाम होगा रीड करके, उसके सामने ही सिग्नेचर कीजिएगा, किसी और दूसरे का कॉलम में नहीं कर दीजिएगा। इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे कॉलम रहता है, यहाँ पे अमित, यहाँ पे सुमित, यहाँ पे अनीता, तो यहाँ पे दूसरे कॉलम में नहीं कर दीजिएगा आप लोग सिग्नेचर। तो सिग्नेचर अच्छे से करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप लोग सिग्नेचर कर देंगे तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। फिर देखिए ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव 10 ही रहेगा, और इसको फर्स्ट पेज में ही यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिएगा, पहले आए या ना आए 1, 2, 3, 4, 5, 10 करके कर दीजिएगा, और जैसे ही आएगा तो ए बी सी डी जो भी होगा लिख दीजिएगा, नहीं भी आएगा तो आप वेट कीजिएगा, कहीं ना कहीं से आंसर आ जाएगा एक दूसरे से हेल्प करके, तो फिर आप बाद में लिख लीजिएगा, इन्हें पहले ही गलत भर लीजिएगा आप लोग। इस तरह से सारे आपको ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे, और एक ही जगह ऑब्जेक्टिव लिखिएगा फर्स्ट पेज पे, क्योंकि इससे नंबर देने में सुविधा होती है। आप कहीं सब्जेक्टिव लिख रहे हैं उसके बीच में एक दो नंबर का ऑब्जेक्टिव लिख दिए, तो उस तरह से टीचर्स यदि नहीं चेक कर पाएंगे तो आपका मार्क्स चला जाएगा। एक ही पेज में सब एक 1, 2, 1, 2, 3, 10 तक करके लिख दीजिएगा। अब देखिए लास्ट एंड आपको लास्ट है कि मैसेज फॉर फाइनल एग्जाम, ऑल द बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट, आई विश कि आप लोग का अच्छे एग्जाम जाए, और सभी का फर्स्ट डिवीजन आए, और अच्छे से आप लोग लिख के आए, एक बार में ही पास हो जाएं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।